तो दोस्तों अभी हम मंदिर में एंट्री मारेंगे और आप देखिए इसका गेट जैसे है ना, जैसे कि राजा महाराजाओं का गेट है वैसा ही गेट है यहाँ पर। देखिए पूरा गेट बहुत ही बड़ा और बढ़िया। तो चलिए अंदर चलते हैं, अभी शोभा यात्रा निकलेंगी तो हमें वो देखना है। 5:30 बजे की शोभा यात्रा है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है, जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए इलेक्ट्रिक ऑटो रखा हुआ है यहाँ पर, तो वो लोग जा सकते हैं। बाहर से मंदिर का चौगान देखिए आप, कितना बड़ा मंदिर है यहाँ पर। और एंट्री में गेट देखिए, देखिए मंदिर में सुकून तो यहीं पर है। बहुत ही बढ़िया मंदिर है और शाम का टाइम है। तो शाम का टाइम है और आप मंदिर की सुंदरता देखिए, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए नीलकंठ सरोवर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो देखिए कितना बहुत ही बढ़िया लग रहा है सब कुछ अभी। और सामने के छोटे बड़े बहुत से मंदिर हैं, बड़े मंदिर के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये मैं बीच में खड़ा हूँ, इस ओर भी पानी है और दूसरी ओर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पानी, मंदिर के चारों ओर पानी फैला हुआ है और सामने को में से भी पानी निकल रहा है, आप देखिए। प्रभु
दर्शन के लिए, जो गौमुख स्नान के लिए जो कि यहाँ पर है। यहाँ बहुत गौमुख है, यहाँ पर गौमुख से पानी निकल रहा है और वहीं पर हमें गौमुख स्नान करना है, तो चलिए पहले गौमुख स्नान कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो गौमुख है वो पूरे मंदिर के नीचे सराव में 108 गौमुख है और सब में से ये पानी निकल रहा है। हम पूरे भक्त लोग यहाँ पर आके इससे स्नान करते हैं। यहाँ भगवान श्री स्वामीनारायण की अखंड धुन हो रही है, आजीवन ये अखंड धुन होती रहती है। देखिए बिल्कुल शांति है। हम 2 बजे से आए हुए थे लेकिन मजा आ गया शांति से। अभी तक यहीं पर रुके हैं, अभी भी रुकना है 1.5 घंटा। खाना भी यहीं पर खाना है। आपको मैं यहाँ का स्टॉल दिखाऊंगा जो कि बहुत बढ़िया और सस्ता भी है, बढ़िया भी है और एकदम शुद्ध और सात्विक खाना मिलता है यहाँ पर। तो आप भी आओ तो खाना जरूर यहाँ से ही खा के जाना, क्योंकि बाजार में खाने के लिए कोई मज़ा नहीं है। तो चलिए मैं आपको पहले पूरा मंदिर का जो व्यू है नाइट का वो दिखाता हूँ, बाद में हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे दिखाऊंगा क्या क्या। तो फाइनली हमने ऑर्डर कर दिया है 1 मंचूरियन, 1 गुजराती थाली और 1 नूडल्स। टोटल 180 रुपये हुए हमारे, बिल्कुल इससे ज़्यादा रिजनेबल और क्या हो सकता है। बहुत मज़ा आ गया। आप सोच भी नहीं सकते, एक ओनली 20 रुपीज़ में मिल रही है यहाँ पर, कोई भी कॉमन आदमी यहाँ पर खा सकता है। और 60 रुपीज़ में गुजराती थाली जो कि हमने खाई, आप देख पा रहे हैं। बाय बाय करते हैं यहाँ से और निकलते हैं अपनी अगले पड़ाव में स्टैचू ऑफ यूनिटी। बहुत मज़ा आया खाने में भी, घूमने में भी और बहुत अच्छे दर्शन भी हुए। तो चलिए अब अपने अगले पड़ाव पे स्टैचू ऑफ यूनिटी।